गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग किस में बात करने वाले हैं। बिना बीएड के भी आप भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर के लिए आवेदन। हाँ बिल्कुल, आपने सही पढ़ा है, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक ये है कि बिना बीएड के भी आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। बिना बीएड किए हुए छात्र भी जो बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं वो आवेदन कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स के लिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं और आपका ख्वाहिश है टीचर बनने का और वो भी केंद्रीय विद्यालय में, तो ये मौका आप बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। अभी मौका है, आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं बायोवर्सिटी। केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला है ऑफिसर, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जिसमें से तकरीबन 14 तरह की वैकेंसी है, जिसमें से असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, फाइनेंस ऑफिसर से लेकर 14 तरह के अलग अलग पोस्ट निकले हुए हैं। आज जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका पीजीटी और पीजीटी। हम सब वेल अवेयर हैं कि बायोवर्सिटी में जो हम लोग बात करते हैं वो लाइफ साइंस से जुड़ी होती है, बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो चाहे वो पढ़ाई हो। तो आज यहाँ जो अलग अलग तरह के पोस्ट हैं इसमें से हम लोग फोकस करेंगे जो पीजीटी है, जो टीचिंग स्टाफ हैं पीजीटी और पीजीटी, उसमें भी जो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की रिक्रूटमेंट हैं, जो वैकेंसी है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल में हर तरह की जानकारी चाहिए, तो आप अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं www.kvsangathan.nic.in पे। एक्चुअली ऑफिशियल जो अप्लाई होगा वो यहीं से होगा, आप यहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें भी। अब अलग अलग PGT के सब्जेक्ट में से 12 तरह के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, जिसमें कि तकरीबन 151 सीट हैं और बायोटेक में 4 सीट हैं। ये तो बात हो गया पीजीटी की। टीजीटी की अगर बात करें तो वहाँ तो बायोलॉजी नहीं होता, वहाँ साइंस होता है, और टीजीटी के साइंस में टोटल 304 पोस्ट हैं। अब अगर सिलेबस की हम लोग बात करें और पे स्केल की बात करें, पीजीटी की पहले अगर हम लोग बात करें, तो जो 1 से 10 तक का, यहाँ तक का जो क्वालिफिकेशन है 1 से 10 तक का, उसमें क्या है, पहले पे स्केल की बात करें तो लेवल 8 का पे स्केल है, जिसमें कि 47,600 से लेकर 1.5 लाख से अबव तक आपका सैलरी जा सकता है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें 1 से 10 तक, यानी कि इसमें कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर, पहला क्या होना चाहिए आपका, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स होना चाहिए, रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ NCERT इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट से आप हैं, या मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। और बी क्या है, इसके साथ ही आपको बीएड भी होना है या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिएंसी होना चाहिए आपका टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश भी अच्छा आना चाहिए, आपके पास बीएड भी होना चाहिए और आपके पास डिग्री भी होना चाहिए। अब बात करें 11 और 12 नंबर में, जो कि कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा नियम भिन्न है। बायोटेक्नोलॉजी का नियम ये कहता है कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आप पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए MSc डिग्री, यानी कि मास्टर डिग्री में, अगर बायोटेक्नोलॉजी आपका है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, या लाइफ साइंस है, या बायो साइंस है, या बायोकेमिस्ट्री है, तभी आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बीएड मैंडेटरी नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आपका MSc होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि अगर आपको सब्सिक्वेंट प्रमोशन चाहिए तो आपको बाद में बीएड करना पड़ेगा। ये था क्वालिफिकेशन, लेकिन अभी अप्लाई करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आपको बीएड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर हैं
तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए केंद्रीय विद्यालय में, पीजीटी में। यही अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें पीजीटी में, तो बायोलॉजी का जो क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें तो बीएड होना है, 8 नंबर में है, बीएड होना पड़ेगा और हिंदी इंग्लिश में अच्छा होना पड़ेगा, और इसके साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। किस में डिग्री होनी चाहिए? बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी भी किया हुआ है या कोई भी इनमें से कोई सब्जेक्ट से आपका अगर ग्रेजुएशन है, तो आपका उसमें बॉटनी के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री को अच्छे से देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कितना साल आपने बॉटनी और पढ़ते हम लोग जूलॉजी, ये दोनों होना उसमें आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न होगा पीजीटी के लिए, ये सबके लिए है, पीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं हर किसी के लिए, कुछ कॉमन है और कुछ स्पेसिफिक है। कॉमन क्या है, 20 मार्क्स का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे बात होगी, आपका हिंदी इंग्लिश जो उन्होंने डिमांड किया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, तो 10 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश रहेगा, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर और ग्रामर एंड यूजेज होगा, और दूसरा 10 मार्क्स का जो है वो हिंदी रहेगा। और पार्ट टू में क्या होगा आपका, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, रीजनिंग और जनरल अवेलेबल से क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 5 मार्क्स से कंप्यूटर रहेगा और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स। अब पार्ट सी में क्या रहेगा, पार्ट सी में एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो भी 40 क्वेश्चन रहेगा, कि आप अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्नर, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, ये तीनों मिला के 10 मार्क्स के होंगे, ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, यानी कि पार्ट थर्ड में टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी टोटल अभी तक कितना हो गया 80 हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट C4 है, इसमें आपका अपना सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उससे 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें कि डेमो लिया जाएगा 30 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स का आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, तब जाके आपका कंप्लीट होगा ये प्रोसेस। अब बायोटेक्नोलॉजी में सिलेबस क्या है, जो सिलेबस आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है अपने मास्टर में, अपना ग्रेजुएशन में, उसी में से सिलेबस है। क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल, टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल, सेल बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी, जीनोमिक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, ये सिलेबस है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में भर रहे हैं, टीचर के लिए भर रहे हैं, अगर आपको टीचिंग की आवश्यकता है, कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली, या आपको अगर इसके लिए स्पेशल नोट्स चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो तैयारी करिए, अप्लाई करिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें मदद चाहिए, अगर आपको कंटेंट चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर आपको कोई टॉपिक भारी है, अच्छा नहीं लगता या पढ़ नहीं पा रहे हैं या उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस टॉपिक का हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको उसमें मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।